अंकिता और विक्की जैन के बीच में हुई लड़ाई, समर्थ ने लिया मन्नारा का साइड। वेल, सलमान खान का शो बिग बॉस सीजन 17 के लाइव फीड में हमें देखने को मिला अंकिता की मन्नारा को लेकर बहस चल रही होती है, जहां पर अंकिता कहती हुई नजर आती है कि मन्नारा दोस्ती के मामले में खुद बहुत अच्छी है, लेकिन उनके जो भी दोस्त बनते हैं वो उनकी दोस्ती को इतने सीरियस नहीं लेते। बोले यहाँ पर समर्थ मन्नारा का साइड लेते हुए नजर आते हैं और साफ तौर पर कह रहे होते हैं कि मन्नारा हमेशा अपने साइड से दोस्ती निभाती है। वो राइडर ही है जिसने खुद इससे दोस्ती नहीं की और 2-3 दिन बाद खुद इसे आकर सॉरी कहा और वापस से दोस्ती करने की रिक्वेस्ट भी वो करता हुआ नजर आया था। वेल, इन्हीं सारी बातों को लेकर डिस्कशन चल रहा होता है, जहाँ पर अंकिता की भी बात निकलती है। वेल, अंकिता कहती हुई नजर आती है कि वो अपने दोस्तों के लिए कुछ भी कर जाती है और वो अपने दोस्तों को किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ती, लेकिन मुनव्वर के साथ दोस्ती में उन्होंने एक स्टेप बैक बस इसलिए लिया था क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि वो मुनव्वर की वजह से परेशान हो और इमोशनली उनका ब्रेकडाउन हो। साथ ही साथ वो ये भी नहीं चाहती थी कि मुनव्वर उनके और मन्नारा के बीच में फंसे और उन्हें किसी एक को चूज करना पड़े। अलीशा यहाँ पर कह रही होती है लेकिन मुनव्वर ने उस चीज का बदला तो लिया क्योंकि मुनव्वर को लग रहा था कि आपने उससे दोस्ती तोड़ी है। जी हाँ, यहाँ पर अंकिता कहती है कि मेरे और मुनव्वर के बीच में कोई मुद्दा ही नहीं था, लेकिन लगातार उसने मुझे 3-4 दिन टारगेट किया था। वेल, यहाँ पर विक्की कहते हुए नजर आते हैं कि मुनव्वर ने इस वजह से टारगेट नहीं किया था, वो तो ऐसे ही हो गया था। वेल, यहाँ पर विक्की मुनव्वर के साइड से बार बार बातचीत करते हुए नजर आते हैं। ईशा भी मुनव्वर को टॉन्ट मारती हुई नजर आती है कि मुनव्वर के इस घर में रिश्ते जो है वो भी सही नहीं है और अभी तो कुछ ही पत्ते खुले हैं, अभी बहुत सारे पत्ते मुनव्वर के खुलने बाकी है। वेल, आयशा ये बात सुनकर मुनव्वर को बताती है। मुनव्वर इस पर ईशा से कहते हैं कि ईशा बता दे कि कब उन्हें लग रहा है कि मुनव्वर के सारे पत्ते खुल चुके और वो सेटिस्फाइड है। वेल, इस पर ईशा कहती है कि वो कौन होती है मुनव्वर के सारे पत्ते खुलवाने वाली। वेल, यहाँ पर विक्की ये कहते हुए भी नजर आते हैं कि ईशा की लाइफ में भी एक फेज ऐसा आया था। अंकिता भी कहती है कि मुनव्वर ने उस टाइम तेरा सपोर्ट किया था, जिस बात पर ईशा एग्री भी कर रही होती है। वेल, यहाँ पर ईशा से विक्की कहते हुए नजर आते हैं कि वो अपनी बात खुद कह सकती है, अंकिता को उनके मैटर में बोलने की कोई भी जरूरत नहीं है। अंकिता इस बात को लेकर विक्की पे गुस्सा हो जाती है और साफ तौर पर कह रही होती है कि विक्की कौन है उन्हें ये सारी बातें बताने वाले कि अंकिता को कहाँ पर बोलना है और कहाँ पर नहीं। पर आज सुबह से ही अंकिता लोखंडे विक्की से काफी ज्यादा नाराज नजर आ रही है क्योंकि विक्की उन्हें बर्थडे विश करना भूल गए थे। विक्की से अंकिता ये तक कहती हुई नजर आई कि वो खुद जब किसी और के मामले में बात करते हैं तब अंकिता तो उन्हें बताने नहीं जाती कि उन्हें कहाँ कब कितना बोलना है, तो विक्की को भी कोई हक नहीं है उन्हें ये सारी चीजें बोलने का। वेल, आपका विक्की और अंकिता की लड़ाई पर क्या कुछ है कहना हमें कॉमेंट्स में जरूर बताएं। ऐसी ही अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।